So friends, now we'll see the past. Past tense ko hum dekhenge. I'll request everyone to go to my previous two videos on tense. Tense pe do video maine pehle banaya hai. Aap unko dekhe, tab aap is teesre video ko dekhe. So that you will be understanding. There is a correlation. सभी में आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया था, अब हम इस वीडियो में पास्ट टेंस करेंगे। एंड फर्स्ट इज सिंपल पास्ट। तो पहला स्ट्रक्चर जो है, कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है उसके साथ लगाते हैं V2। और आपको बताना चाहता हूं, V2 इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज ईट, एट। राइट का राइट, रोट। तो ये V2 आपको सिंपल पास्ट छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में ही V2 का यूज होता है, पूरी इनवर्स में, पूरी ब्रह्मांड में V2 का यूज और कहीं नहीं होगा। अगर आपने V2 देख लिया तो उसका टेंस एक ही होगा, वो एकमात्र टेंस होगा सिंपल पास्ट, कुछ और नहीं हो सकता है। बिकॉज दिस V2 इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल पास्ट। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट्स सी एग्जाम्पल। तो जैसे ही रोट C8 I8। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें V2 का ही यूज करना है, नो V3, नो नथिंग। तो ये V2 सिंपल पास की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये दूसरा टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो रूल है FPS, FPS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, या TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम यूज करते हैं वाज प्लस V4। अगर प्रेजेंट में आपको याद है तो हम वहां पर इज यूज कर रहे थे TPS के साथ, यहां पर हम वाज यूज करेंगे। एंड लेट्स सी एग्जांपल, आई वाज ईटिंग, सी वाज राइटिंग। तो आप देख सकते हैं कि एक FPS का एग्जाम्पल लिया है, एक मैंने TPS का एग्जाम्पल लिया है कि वी आर यूजिंग वाज, और ऑल अदर्स दूसरे जो होते हैं, ऑल अदर्स के साथ हम यूज करते हैं वर्ब प्लस V4। विल बी यूजिंग वर्ब प्लस V4। लेट्स सी एग्जाम्पल, वी वर इटी, they were writing। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस में was plus V4 या were plus V4 का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं past perfect। फ्रेंड्स, past perfect is again very very easy किसी भी सब्जेक्ट के साथ। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम had का यूज करते हैं, प्लस V3 का यूज करते हैं, हैड प्लस V3। लेट्स सी एग्जांपल। यहां देख सकते हैं कि आप अगर पास्ट टेंस को देखेंगे तो पास्ट टेंस पे रूल्स भी कम है और उसके एग्जांपल्स भी हमारे लिए इजी हो जाते हैं। तो आई हैड इटन, यू हैड रिटन, दे हैड Eaten, whatever। तो आप देख सकते हैं कि हम V3 का यूज कर रहे हैं और had, सभी के साथ had लग रहा है। अगर प्रेजेंट टेंस को याद करेंगे तो TPS के साथ has लगा था, बाद बाकी के साथ have लगा था, स्ट्रक्चर वाज सेम। नाउ द लास्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड हियर ऑल्सो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे had been प्लस V4। किसी भी टेंस के साथ, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैड बीन प्लस V4 लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं,
आई हैड बीन ईटिंग, यू हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, वट एवर। क्योंकि देखिए मैंने कन्वीनियंस सेक के लिए मैं ईट और राइट से अलग नहीं हो रहा हूं, क्योंकि ईट के फॉर्म कहां कहां चेंज हो रहे हैं आपको समझना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट टेंस की, दैट इज फ्यूचर टेंस। स्टे ट्यून्ड।